the broads in Atlanta. She's with the V in the family. Credit cards and scams. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टूरिस्ट मेनिया। माय नेम इज प्रियांशु एंड आई एम बैक विद अनदर न्यू एंड अ फ्रेश वीडियो। सो गाइस, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग रिव्यू करने वाले हैं द ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर N160। सो गाइस, अगर आप भी ये बाइक में इंटरेस्टेड हो एंड ये बाइक लेने के लिए सोच रहे हो तो आप सबके लिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं इस बाइक का फुल डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ अलॉन्ग विद द प्राइसिंग। सो मेक श्योर गाइस, आप बिना स्किप किए वीडियो का लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। या गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स सिलीगुड़ी बजाज बर्दवान रोड फॉर हेल्पिंग मी आउट। गाइस, अगर आप बजाज से कोई भी बाइक्स या कोई भी स्कूटर चाहते हो या किसी बाइक के स्कूटर के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप शोरूम पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। शोरूम का फुल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको फॉलो करके आप वहां पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो या डू विजिट द शोरूम एंड अभी चलते हैं अपना जो रिव्यू है वो हम लोग शुरू करते हैं। सो गाइस, प्रेजेंटिंग यू द ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर N160। एंड सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक के लुक्स की। एंड इस बाइक के लुक में सबसे पहला चीज जो आप नोटिस करोगे वो है इसका ये शानदार हेडलैम्प का सेटअप। सो आपको इस बाइक में एक LED प्रोजेक्टेड लैम्प का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है, उसी के ऊपर आपको यहाँ पे LEDs है वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो इनको ऑन करने के लिए आपको जो बाइक है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बाइक को सबसे पहले ऑन करके देखते हैं। सकते गाइस, इसका जो LEDs है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ग्लो करता है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इनके कारण बाइक को एक काफ़ी रोबोटिक सा जो लुक है वो देखने को मिल जाता है। एंड इसके हेडलैम्प को ऑपरेट करने के लिए हमको यहाँ पे आपको एक स्विच देखने को मिलेगा, तो इसको जब आप ऑन करोगे तो यहाँ पे आपका जो हेडलैम्प है वो ऑन हो जाता है। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का जो हेडलैम्प सेटअप है आपको इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि देखने भी बहुत ही अच्छा लगता है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्राइट भी है। तो इनकी जो लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। स्टॉक बाइक में आपको कभी जो विंडशील्ड है वो देखने को नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे आपका जो नंबर प्लेट है वो माउंट किया जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको जो है LED इंडिकेटर्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो पहले वाला जो N160 आता था उसमें आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाला जो इंडिकेटर्स है वही देखने को मिलता था। नीचे की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही मेजर अपडेट देखने को मिलेगा इस बाइक में। तो आपको इस बाइक में आप एक 35mm का जो USD फोक है वो देखने को मिल जाता है। एंड ये फुल शैम्पेन कलर में आपको देखने को मिलेगा एंड देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इनकी जो सेटअप है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। वो जब मैं बाइक को राइड करूंगा तब आपको और भी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड सस्पेंशन के दोनों ही तरफ आपको कुछ इस तरीके के जो रिफ्लेक्टर्स है वो देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका जो मडगार्ड है वो देखने को मिल जाता है। तो इसका जो मडगार्ड है पहले थोड़ा और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है एंड अभी देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको डुअल पार्ट में जो मडगार्ड है वो देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डुअल टोन का कलर का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है, डेट इज़ मैट ब्लैक एंड ग्लॉस ब्लैक, जिसके ऊपर आपको थोड़े बहुत जो रेड की जो ग्राफिक्स है वो देखने को मिल जाती है। एंड सिमिलर ग्राफिक्स आपको जो इसके हेडलैम्प मास्क है उस पर भी देखने को मिलेंगी। ये रहा इस बाइक का फ्रंट व्हील। तो आपको इस बाइक में आगे 17 इंचेस का जो अलॉय व्हील्स का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। सिमिलर अलॉय व्हील्स है आपको NS200, NS160 एंड N250 में भी देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड अलॉय व्हील्स के आपको चारों ही तरफ आपको इस तरह के कुछ रेड स्ट्राइपिंग्स जो है वो मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। अगर बात करूँ टायर साइज़ की तो आपको इस बाइक में फ्रंट की तरफ पे एक 100x80x17 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। एंड ये जो टायर्स है वो आते हैं यूरो ग्रिप की तरफ से। इनकी जो ग्रिपिंग है वो मुझे ठीक ठाक सी लगती है। एंड अगर बात करें ब्रेक्स की तो ब्रेक्स में आपको कभी जो चेंजेस है वो देखने को नहीं मिलता है। आपको इस बाइक में अभी भी फ्रंट की तरफ पे एक 300mm का सिंगल डिस्क देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपको ग्रिमिका के जो ब्रेक कैलिपर्स है वो देखने को मिलते हैं। ये बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ। ब्रेकिंग जो है बाइक की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। फ्रंट ब्रेक जो है बाइक की बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। ओवरऑल गाइस, बाइक का जो फ्रंट लुक है आपको इसमें इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाती है। एंड अब हम बढ़ते हैं बाइक के साइड लुक की तरफ। देख सकते हो गाइस, बाइक का जो साइड लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सा जो डिज़ाइन है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करूँ कलर ऑप्शंस की, हमारे सामने अभी ब्लैक कलर का जो N160 है वो खड़ा है। शोरूम में बस यही कलर अवेलेबल था, बट अभी फ्यूचर में इस पर और भी सारे कलर ऑप्शंस जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड डिजाइनिंग वाइज देख सकते हो, ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, बस आपको यहाँ पे एक नया जो ग्राफिक्स है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक N160 का जो लोगो है वो देखने को मिलता है, जो कि पहले वाले जो वर्जन है आपको देखने को नहीं मिलता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ग्राफिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है। ये रहा इस बाइक का टैंक। देख सकते हो गाइस, बाइक का जो टैंक है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया है। मस्कुलर सा जो आपको यहाँ पे लुक जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे कट्स एंड कर्व्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ब्लैक क्रोम में आपको जो पल्सर का जो 3D लोगो है वो मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको N160 का लोगो मिल जाता है। एंड यहाँ पे कुछ और आपको जो ग्राफिक्स है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड टैंक पे भी आपको कुछ अलग जो ब्लैक कलर के ही ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर बात करूँ टैंक साइज़ की, तो आपको इस बाइक में 14 लीटर का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करूँ माइलेज की, तो आप इस बाइक से ऑलमोस्ट 50-55 KMPL के आसपास का जो माइलेज है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। इसके कारण आपको इस बाइक से काफ़ी अच्छी जो रेंज है वो भी मिल जाएगी। एंड यहाँ ऊपर का जो फ्यूल कैप है वो दिया गया है, जो कि अगेन मैट ब्लैक में आपको देखने को मिलता है।
एंड यहाँ पे आपको जो USB चार्जर का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। एंड अभी थोड़ी नीचे की तरफ अगर हम आएँ तो गाइस ये रहा इस बाइक का इंजन एरिया। तो इंजन एरिया देख सकते हो फुल ब्लैक में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी आपको ऊपर की तरफ बजाज का जो लोगो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे अर्लीस्ट वर्जन अगर देखा जाए जब शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था तब यहाँ पे आपको DTSI का जो लोगो है वो मिलता था। अभी जो बजाज ने DTSI फीचर था इंजन का वो हटा दिया है, अभी इसमें आपको नॉर्मल इंजन ही मिलता है। तो DTSI में आपको ट्विन स्पार्क प्लग मिलता था बट अभी इस बाइक में सिंगल स्पार्क प्लग आता है। तो देख सकते हो यहाँ जो स्पार्क प्लग है वो रिमूव कर दिया गया है, बस अभी उस साइड पे हमें एक जो स्पार्क प्लग है वो देखने को मिलता है। अगर बात करो इंजन कैपेसिटी की तो आपको इस बाइक में एक 164.82 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड SOSC FI इंजन मिल जाता है विद 5-स्पीड ट्रांसमिशन, जो कि 16 BHP का मैक्स पावर एंड 14.65 Nm का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर आउटपुट है अपने इस सेगमेंट के बाइक के लिए। आपको इस बाइक में कोई भी किक स्टार्टर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बाइक आती है एयर कूल्ड इंजन के साथ, बट वहीं अगर आप इसके पहले वाले वर्जन के साथ अगर कंपेयर करोगे तो वहां पे आपको जो ऑयल कूलिंग का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता था, जिसका जो ऑयल कूलर था वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया जाता था, बट अभी इसमें कोई भी जो ऑयल कूलर है आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस चीज से आप निराश मत होइए गाइस, क्योंकि कंपनी जब भी कोई अपडेट लाती है इंजन में के लिए काफी ज्यादा रिसर्च के बाद ही जो कंपनी है कोई भी डिसीजन लेती है। जो ऑयल कूलर आने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, हो सकता है गाइस कि इस बाइक के जो इंजन में कूलर है वो उसका रिक्वायरमेंट ना हो, इसलिए जो ऑयल कूलर है वो हटा दिया गया है। एंड ये बाइक जो है अभी मैं ट्रैफिक में भी राइड करके आया हूँ काफी देर तक, तो हीटिंग का कोई भी इशू जो है वो फेस नहीं करना पड़ा मुझे। तो ओवरऑल गाइस पावर आउटपुट जो है इस बाइक का वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काफी अच्छा एंड काफी रिस्पॉन्सिव जो इंजन है आपको इस बाइक में देखने को मिल जाता है। एंड देख सकते गाइस इंजन की जो फिट फिनिश है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वायर जो है वो भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्लेस किए गए हैं, कोई भी जो एक्सपोज्ड वायर जो है वो आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको एक काफी छोटे साइज का जो क्रैश गार्ड है वो देखने को मिल जाता है, जो कुछ इस तरीके का है। स्टॉक बाइक पे आपको ये वाला क्रैश गार्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो हॉर्न है वो प्लेस किया गया है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, एंड ये रहा इस बाइक का इंजन गार्ड। तो आपको इस बाइक में एक अच्छे खासे साइज का एंड काफी अच्छे डिजाइन का जो अंडरबेली है आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन आपको डुअल पार्ट में देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे भी आपको डुअल कलर का यूज किया गया है, दैट इज ग्लॉस ब्लैक एंड मैट ब्लैक, एंड लुक को तो इनहांस करता ही है, उसी साथ आपके इंजन एरिया को भी छोटे बहुत जो पत्थर है उसे ये प्रोटेक्ट कर लेगा। एंड यहाँ पे जो इसका जो बेंड पाइप है वो देखने को मिलेगा, इसके ऊपर अगेन आपको कुछ प्रोटेक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे जो कैटालिटिक कन्वर्टर है बाइक का वो प्लेस किया गया है। ओवरऑल गाइस इंजन एरिया जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काफी नीट एंड क्लीन सा जो सेटअप है आपको देखने को मिल जाता है। एंड ये रहा इस बाइक का राइडर एंड पिलियन फुटपैक्स, तो इनकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये रहा इस बाइक का रियर ब्रेक लीवर, यहाँ पे आपको जो डबल स्टैंड है वो भी देखने को मिल जाता है इस बाइक में। एंड इस बाइक में आपको जो अंडरबेली एग्जॉस्ट है वो देखने को मिलता है, इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद सुनाऊंगा, बट इसकी जो डिजाइन है वो देख सकते हो काफी अच्छे तरीके से की गई है। एंड देख सकते गाइस ये रहा इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस, तो आपको इस बाइक में 165 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा एंड काफी डिसेंट नंबर है। यहाँ पे आपको जो रियर मास्टर सिलेंडर है वो प्लेस किया गया है, जो कि अगेन यहाँ पे अच्छे से तरीके से प्रोटेक्टेड है। एंड यहाँ पे देख सकते गाइस ये रहा इस बाइक का रियर सस्पेंशन, आपको इस बाइक में पीछे की तरफ पे नाइट्रॉक्स मोनोस्टॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफी अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ मैट ब्लैक में पैनल्स देखने को मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको हनीकॉम डिजाइन जो है वो देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ अगर हम आए गाइस तो ये रहा इस बाइक का रियर पैनल, एंड रियर पैनल का जो डिजाइन है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पे आपको एक N160 का जो लोगो है वो देखने को मिलता है, एंड अगेन यहाँ पे मैट ब्लैक एंड ग्लॉस ब्लैक का जो टच है वो देखने को मिलता है। एंड काफी स्लीक सा जो डिजाइन है पीछे की तरफ पे वो बनाया गया है, जिसके कारण बाइक को काफी एक स्पोर्टी सा जो लुक है वो मिल जाता है। एंड ये रहा इस बाइक का सीट, सो आपको इस बाइक में स्प्लिट सीट जो है वो देखने को मिलते हैं, जिनकी जो कुशनिंग है एंड जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसको NS160 से कंपेयर करोगे तो मुझे इसका जो सीट है वो थोड़ा ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे लगा। कैसे पीछे की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे खासे साइज का जो ग्रैब रेल्स है वो देखने को मिलता है। आ चुके हैं इस बाइक के रेयर लुक की तरफ, तो देख सकते हैं इस बाइक का जो रेयर लुक है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी अच्छा खासा जो डिज़ाइन है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा टेल लैंप का जो सेटअप है वो देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किए गए हैं। यहाँ पे आपका जो नंबर प्लेट है वो प्लेस होगा, जिसके ऊपर आपको नंबर प्लेट का जो लाइट है वो मिल जाता है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो रिफ्लेक्टर्स है वो मिलता है। एंड ये रहा इस बाइक का टेल सेक्शन, तो देख सकते हो गाइस इसमें आपको काफी टेल टैडी सा जो लुक है वो देखने को मिलता है। तरफ अगर आओगे गाइस तो आपको एक काफी अच्छे साइज का जो टायर अगर है वो भी मिल जाता है। अगेन आपको डुअल पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसमें एक पार्ट यहाँ पे है एंड दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है। पीछे की तरफ पर भी आपको 17 inches का जो अलॉय व्हील्स का जो सेटअप है वो देखने को मिलता है। एंड टायर साइज की बात करूँ तो आपको इस बाइक में पीछे तरफ पे एक 130x70x17 सेक्शन का जो फेयर टायर है वो देखने को मिलता है। अगेन पीछे तरफ पे अभी आपको TVS यूरो ग्रिप का जो टायर है वो मिल जाता है। एंड ये रहा इस बाइक का रियर ब्रेक, तो आपको इस बाइक में पीछे की तरफ पे एक 230mm का सिंगल डिस्क देखने को मिलता है। एंड जैसे कि मैंने बताया ये बाइक आती है डुअल चैनल ABS के साथ, आपको इस बाइक में पीछे की तरफ पे एयर लिफ्ट प्रोटेक्शन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जिसके कारण अगर आप कभी भी बाइक में अगर हार्श ब्रेकिंग करते हो तो आपका जो रियर व्हील है वो लिफ्ट नहीं होगा,
जो कि सेफ्टी वाइज अगेन एक काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी। एंड ओवरऑल ब्रेकिंग जो है बाइक की वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। एंड उसी साथ गाइस हम आ चुके हैं बाइक के दूसरे साइड की तरफ। यहाँ पे देख सकते हो गाइस आपको एक काफ़ी अच्छा खासा साइज का जो साइडी गार्ड है वो भी कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपका जो बॉक्स टाइप का जो स्विंगम है वो मिल जाता है आपको इस बाइक में। यहाँ पे जो है जो इसका गियर लीवर है वो दिया गया है, तो आपको इस बाइक में 5 स्पीड का जो ट्रांसमिशन है वो देखने को मिलता है। एंड ये रहा इस बाइक का सिंगल स्टैंड। लेफ्ट साइड से जो इंजन एरिया है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अब ये बाइक आती है सिंगल स्पार्क प्लग के साथ, तो देख सकते हो जो स्पार्क प्लग है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया गया है। एंड बॉडी पैनल्स लेफ्ट साइड से कुछ इस तरीके दिखते हैं। हम आ चुके हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल वाले एरिया की तरफ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले इस बाइक के हैंडल बार के बारे में। तो आपको इस बाइक में एक काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का जो सिंगल पीस हैंडल बार का जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। थोड़ा ये स्पोर्टियर साइड पर रखा गया है बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये रहे इस बाइक का रेयर व्यू मिरर्स, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि रेयर का पूरा काफ़ी अच्छा जो लुक है वो प्रोवाइड कर देता है। एंड अब हम बढ़ते हैं इस बाइक के स्विच गियर की तरफ में। तो इसका जो फुल स्विच असेंबली है देख सकते हो गाइस वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। काफ़ी अच्छा खासा जो स्विच सेटअप है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इस तरफ पे आपका जो इंजन किल स्विच है वो प्लेस किया गया है। यहाँ पे आपका जो हेडलाइट के जो कंट्रोल्स है वो दिए गए हैं। यहाँ से आपका जो हेडलाइट है वो आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो इग्निशन बटन है वो दिया गया है। एंड अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ हम आएँ तो पूरा जो पास लाइट एंड हाई बीम लो बीम का जो कंट्रोल्स है वो एक ही में यहाँ पे दे दिया गया है। आपको एक मोड का बटन दिया गया है जिसको प्रेस करके आप इस बाइक के जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको टॉगल कर सकते हो। एंड उसी के साथ जो भी राइडिंग मोड्स है आप इसमें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो इंडिकेटर से कंट्रोल्स दिए गए हैं। एंड यह ये रहा इस बाइक का हॉर्न, तो हॉर्न जो है एक बार वो आप चेकआउट करो। तो देख सकते हो गाइस आपको इसमें काफ़ी डिसेंट सा जो साउंड है वो देखने को मिल जाता है। एंड ओवरऑल स्विच गियर्स की बात करूँ तो स्विच गियर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। इस बाइक के हैंड ग्रिप्स, तो हैंड ग्रिप्स जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड ये रहा इस बाइक का फ्रंट ब्रेक एंड क्लच लीवर्स। एंड क्लच की बात करूँ तो आपको इस बाइक का नॉर्मल क्लच ही देखने को मिलता है, बट ट्रस्ट में कहीं से बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अब हम बढ़ते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ पे। तो आपको इस बाइक में एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो हाल ही में जो 2024 का जो अपडेट आया था उसमें भी इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया था। बट जब ये USD फोक वाला जो वेरिएंट जब ये लॉन्च किया गया तो इसमें कुछ और भी फीचर्स जो थे वो ऐड कर दिए गए। जैसे कि अब आपको इस बाइक में टर्न बाय टर्न नेविगेशन का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड अब इस बाइक में आपको जो राइडिंग मोड्स है वो भी देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हो गाइस आपको जो राइडिंग मोड्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी ये रोड मोड पे है, तो इस बटन को जब प्रेस करोगे तो अभी रेन मोड पे चला जाएगा। एंड इसमें आपको एक ऑफ रोड मोड जो है वो भी देखने को मिल जाता है। सो बेसिकली राइडिंग मोड्स में आपको जो सेम ही रहता है, बस आपका जो ABS है उसमें आपको थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो देखने को मिल जाता है। हर मोड्स के हिसाब से जो ABS का जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे ऊपर की तरफ पे आपको जो टैकोमीटर है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्यूल कॉस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको गियर पोजिशनल इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, ओडोमीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स दिए गए हैं। यहाँ पे जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। नेविगेशन जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया गया है। सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस तरफ पे आएंगे। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, सारा चीज़ जो फीचर्स है आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो न्यूट्रल का जो लाइट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे ABS का लाइट देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे की तरफ पे आपको जो इंजन मालफंक्शन का जो लाइट है वो भी मिल जाता है। सो ओवरऑल गाइस बाइक में काफ़ी एडवांस एंड काफ़ी अच्छे क्वालिटी का जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देता है। एंड यहाँ पे जो इसका जो लॉक मैकेनिज्म है वो दिया गया है। की है वो भी मैं अब दिखा दे रहा हूँ। तो की का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का है। कॉकपिट व्यू जो है वो कुछ इस तरीके का है। फिट फिनिश एंड क्वालिटी जो है बाइक की वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। एंड लुक्स तो देख सकते हो गाइस, लुक्स कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। हालांकि गाइस लुक जो है एक सब्जेक्टिव पार्ट है, हर किसी का पसंद और नापसंद अलग अलग होता है। बट मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे इस बाइक का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट गाइस अब हम बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग की। सो अभी पहले वाले वर्जन के साथ अगर इसे कंपेयर करोगे तो इसका जो प्राइस है वो 6,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब इस बाइक का ऑन रोड प्राइसिंग सिलीगुड़ी के बेसिस पे आपको पड़ेगा समेर अराउंड 1,70,000 के आसपास। एंड गाइस अभी टाइम आ चुका है इस बाइक को राइड करने का। इसका जो राइड रिव्यू है वो आप सबके साथ शेयर करने का। सो चलते हैं बाइक को हम लोग राइड करते हैं। तो यार गाइस टाइम आ चुका है इस बाइक को राइड करने का। एंड एक बार इसका जो लुक है वो फिर से आप चेकआउट कर लो कितना सही लगता है देखने में। एंड चलते हैं अभी बाइक पे बैठते हैं एंड इसका जो राइड रिव्यू है वो हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। सो गाइस बाइक पे बैठने के बाद सबसे पहला चीज़ जो आप फील करते हो वो है इस बाइक का कर्व वेट एंड इस बाइक का सीट हाइट। सो बात करूँ अगर इस बाइक का सीट हाइट की, सो आपको इस बाइक में 795 mm का जो सीट हाइट है वो देखने को मिल जाता है। एंड अगर मैं अपनी हाइट की बात करूँ तो आई एम 5'8". एंड देख सकते गाइस मेरे दोनों ही पैर काफ़ी कंफर्टेबली ज़मीन को टच कर रहे हैं। मुझे कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ रहा है। एंड बात करूँ कर्व वेट की, तो अभी इस बाइक में आपको 152 kg का कर्व वेट जो है वो देखने को मिल जाता है। सो अर्लियर वर्जन का जो कर्व वेट था वो था 154 kg।
बट अभी कंपनी ने जो कर्वेट है उसको 2 kg से घटा दिया है, तो बाइक जो है वो और भी ज़्यादा लाइट फील करती है। एंड साइड मिरर जो देख सकते हो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया था आपको, इस बाइक में साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो है वो भी देखने को मिल जाता है, जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाइक हम लोग करते हैं स्टार्ट एंड इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो आप सबको मैं सुनाता हूँ। सो देख सकते हो गाइस आपको इस बाइक में काफ़ी बेसी एंड काफ़ी स्पोर्टी सा जो एग्जॉस्ट नोट है वो देखने को मिल जाता है। अभी टाइम आ चुका है बाइक को राइड करने का, तो बाइक को हम डालते हैं फर्स्ट गियर में, जो राइड रिव्यू है वो हम लोग आप सबके साथ शेयर करते हैं। राइड रिव्यू जो है वो मैं थोड़ी कच्चे रास्ते से ही शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन का जो क्वालिटी है वो आप सबको मैं दिखा पाऊँ कि जो सस्पेंशन है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। ऊबर खबर रास्ते पे भी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, ज़्यादा जो जर्क्स है वो फील नहीं होते हैं। देख सकते गाइस अभी जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, बट स्टिल जो जर्क्स है ज़्यादा जर्क्स आपको फील नहीं होते हैं। अच्छा खासा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आपको जो बाइक है नीचे से जो टच होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये हम आ चुके हैं मेन रोड पर एंड इधर हम लोग थोड़ा बाइक को भगा कर देखेंगे। बाइक अभी है फर्स्ट गियर में। सो जो एग्जॉस्ट नोट है गाइज आप उसको चेकआउट करो, कितना बेसी सा जो एग्जॉस्ट नोट है आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। एक थोड़ा हम लोग पुल करके देखते हैं। सो गाइज ओवरऑल बाइक में आपको काफ़ी अच्छी एंड काफ़ी पंची से जो पावर डिलीवरी है आपको देखने को मिल जाती है। एंड परफॉर्मेंस वाइज बाइक बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। इस बाइक का जो इनिशियल एंड इस बाइक का जो मिड रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा पंची एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत ही अच्छी जो पावर डिलीवरी है आपको इसके इनिशियल एंड मिड रेंज में आपको देखने को मिल जाती है। बाइक जो है वो किसी भी गियर में आप पुल करो बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। वहीं अगर टॉप एंड की बात करूँ तो इस बाइक का जो टॉप एंड है वो ठीक ठाक सा है। अगर आप टॉप एंड वाले कोई अगर बाइक चाहते हो तो इसकी कैटेगरी में आपको NS 160 देखने को मिल जाएगी, जिसकी जो टॉप एंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना दी गई है, आपको कहीं भी जो वाइब्रेशंस है वो फील नहीं होंगे। आप किसी भी रेव रेंज में बाइक को पुल करके देख लो, चाहे आप इनिशियल की बात करो, मिड रेंज की बात करो, या आप इसको टॉप एंड पर भी अगर पुल अप करोगे तो कहीं भी जो आपको जो वाइब्रेशंस है वो फील नहीं होंगे। बाइक हर एक रेव रेंज में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होती है। सीटिंग पोजीशन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मुझे बिल्कुल भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ रहा है। ये थोड़ा आप इस पर लीन करके ही आप चलाओगे, बट उतना भी लीन नहीं करना पड़ेगा कि आपको जो बैक में आपको पेन शुरू हो जाए। काफ़ी अच्छा तरीका का आपको सीटिंग पोजीशन देखने को मिल जाता है। एंड जो फुटपैक्स है वो थोड़े पीछे की तरफ पे सेट किए गए हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी स्पोर्टी सा जो फील है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इस बाइक पर अगर लॉन्ग राइड के लिए भी लेके जाते हो तो आपको ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। एंड आप इस बाइक पर लीन करके चलाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। सो दोनों ही पर्पज़ के लिए जो बाइक है वो बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है आप सबके लिए। एंड जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस किया गया है। हालांकि डे टाइम पे इसका जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रेच आउट करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ये फुल डार्क थीम के साथ ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं एंड सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो इजीली रीडेबल भी है। फॉन्ट्स का जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। साइड मिरर्स की जो क्वालिटी है एंड फिट फिनिश है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको रेयर का काफ़ी अच्छा जो लुक है वो प्रोवाइड कर देगा। अगर बात करूँ सस्पेंशन सेटअप की, तो जैसा कि इसमें आपको आप सामने तरफ पे USD फोक्स देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छी जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। रेयर सस्पेंशन जो है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून किया गया है। सस्पेंशन को थोड़ा मैं बोलूँगा सॉफ्टवेयर साइड पर ही रखा गया है एंड इसमें आपको परफेक्ट अमाउंट ऑफ स्टिफनेस जो है वो भी देखने को मिल जाती है। सो स्टेबिलिटी भी बाइक में आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। एंड अगर आप रास्ते पर भी अगर बाइक को राइड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा कोई जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हो गाइस अभी थोड़ा उबर खाबर रास्ते पे भी मैं चला रहा हूँ, तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ रहा है मुझे। देख सकते हो गाइस जो भी बम्प्स है उसको ये इजीली सोक कर ले रहा है। तो सस्पेंशन वाइज काफ़ी अच्छी है, आपको अच्छा खासा जो फीडबैक है वो देखने को मिल जाता है। बात करो ब्रेक्स की, तो ये टॉप ऑफ द लाइन डुअल चैनल ABS वाला वेरियंट है, तो इसका जो फ्रंट ब्रेक है सबसे पहले हम लोग वो टेस्ट करते हैं। गुड यार गाइस, इसका बैक का जो फ्रंट ब्रेक है उस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी रेस्पॉन्सिव सा जो बाइट है आपको देखने को मिलेगा। एंड अब इसका जो रेयर ब्रेक है उसको भी हम लोग चेक करते हैं एक बार। सो गाइस रेयर ब्रेक मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक सा है, जो थोड़ा लेट से रिस्पॉन्स करता है, बट वहीं अगर इसका फ्रंट ब्रेक की अगर हम लोग कंपेयर किया जाए तो फ्रंट ब्रेक जो है इस बाइक का वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट मुझे लगा। एंड ओवरऑल आपको इस बाइक में अच्छी खासी जो ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाती है। जो ऑयल कूलिंग है वो इसमें से हटा दिया गया है, बट स्टिल जो बाइक में कोई भी जो हीटिंग इशू है वो फेस आप नहीं करोगे।
सो गाइस बाइक का जो टर्निंग रेडियस है वही बहुत ही ज़्यादा कम है, देख सकते हो कितनी कम जगह में ही ये बाइक जो है वो टर्न हो गई। एंड बाइक चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, बाइक जो है पहले से और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो चुकी है। यहाँ पे अभी आपको ABS मोड्स देखने को मिल जाते हैं, आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिल जाता है। प्राइस पॉइंट पे बजाज ने इस बाइक को लॉन्च किया है वो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल सही है, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे आपको इस बाइक में आपको काफ़ी अच्छी जो पावर है देखने को मिल जाती है, अच्छा खासा लुक्स देखने को मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो परफॉर्मेंस वाइज बोल लो या फीचर्स वाइज बोल लो ये बाइक कहीं से भी लैग नहीं करती है, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, बिकॉज जितना प्राइस आप पे कर रहे हो उस बाइक के लिए उसमें आपको काफ़ी अच्छी जो पैकेज है वो प्रोवाइड कर दे रही है। तो अगर आप ये बाइक लेने के लिए सोच रहे हो तो ये मैं बाइक आपको 100% रिकमेंड कर सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ये बाइक। एंड आपको ये बाइक कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उसी के साथ गाइस हम लोग आ चुके हैं शोरूम पे, एंड वहाँ पे कुछ भाई लोग हमारे बाइक को देखते हुए, एंड ये गाइस यही रहा शोरूम बिलीगुड़ी बजाज बर्दवान रोड। सो गाइस अगर आपको बजाज का कोई भी प्रोडक्ट लेना हो तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, शोरूम जो है बर्दवान रोड की तरफ आप जाओगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको देखने को मिलेगी। तो शोरूम भी आपको मैंने दिखा दिया, एंड उसी के साथ गाइस इसका जो राइड रिव्यू है उसको भी एंड करने का टाइम आ चुका है। सो दैट्स इज गाइस, आई होप आपका जो भी डाउट्स था इस बाइक को लेकर सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा अभी तक। मैंने जितना भी पॉसिबल इन्फॉर्मेशन कम से कम टाइम में आप सबके पास आ सकता था मैंने पहुंचाने का पूरा कोशिश किया है। टिल अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट करके लिख सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर वीडियो कैसा लगा है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। यहां तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। आज का जो वीडियो है उसको एंड करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, इसके लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए और फ्रेश ब्लॉग के साथ। सो तब तक राइड सेफ एंड टेक केयर।